दैनिक भास्कर नीचे कर लो भाई, धक्का क्या क्या लगा दिया, भारत को मजबूत रखने के लिए अपना बलिदान दिया। ये दोनों छह राजपूत पलटन के हैं और भारत के सैनिकों ने हमेशा अपनी परवाह करे बगैर भारत की सुरक्षा रखी। ये पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री है, लगातार वहां से अपने मंसूबे अपने इरादे पूरे करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके इरादों को हमेशा हमारे भारतीय सैनिकों ने, हमारी मजबूत सरकार ने विफल करा है। आगे भी निश्चित तौर पर भारत के ऊपर कोई भी टेढ़ी आंख से देखेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। भारत के सैनिक, भारत के नौजवान भारत को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। ये गोली जो चली थी ये अजय और विजेंद्र पे नहीं, ये भारत के ऊपर चली थी और इन दो योद्धाओं ने अपनी छाती आगे करी, उस गोली को, उस हमले को रोका। ऐसे ही न जाने कितने फौजी अपने छाती को आगे करके भारत पे जो होते हुए हमले को रोकते हैं। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जितने भी नौजवान हैं वो भारत को मजबूत रखने के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए एक संकल्प लें, मन में संकल्प लें, एकजुट रहें, मजबूत रहें, अपने शरीर को, मस्तिष्क को हर तरह से मजबूत करें। भारत आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो जाएगा कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत की तरफ देखने की। भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि पाकिस्तान या जो भी आतंक को फैलाना चाहता है उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत की तरफ देखने की। आज जो तिरंगा यात्रा निकली है इन सब, इन अजय को और विजेंद्र को सलामी देने के लिए, इनकी शहादत को प्रणाम करने के लिए, उसमें हजारों लाखों नौजवान ने हिस्सा लिया है। एक भारतीय गिरेगा हजार योद्धा पैदा होंगे, ये संदेश हमारे देश के दुश्मनों तक आप सब पहुंचा दिए। और हमारी माताओं को, उनके परिवारजनों को हम सलाम करते हैं कि उनके कोख से भारत को रक्षा, भारत को सुरक्षित करने के लिए योद्धा पैदा होते हैं। हर तरह से इनके परिवार को हम सुरक्षित रखेंगे, हर तरह से ये गांव, हर गांव अपने योद्धाओं को सलाम करेगा और उनके परिवार को सुरक्षित रखेगा। देश का बड़ा जिला झुंझुनू है, 485 से ज्यादा शहीद यहाँ हो चुके हैं, इसकी माटी में वीरता का परचम लहराता है। हिंदुस्तान की जब भी बात आती है राजस्थान सबसे अग्रसर रहता, आगे रहता है, लेकिन देश बलिदान का बदला मांग रहा है। निश्चित तौर पर झुंझुनू की धरती ऐसी है जहाँ से योद्धा पैदा होते हैं, सबसे ज्यादा बलिदान यहीं से हुआ है। राजस्थान का एक एक गांव, एक एक जिला, वहां पर युवा जो हैं वो मजबूत शक्तिशाली हैं, जो भारत को हर तरह से, चाहे वो वर्दी पहने या वर्दी ना पहने, लेकिन ये जान ले कि भारत अब और मजबूत होगा। एक पूर्व सैनिकों का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा दोबारा होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के लगातार, निश्चित तौर पर आपको पहले भी भारत की सरकार ने और भारत की सेना ने कहा है कि हम जब जवाबी कार्रवाई करेंगे उसका समय भी हम तय करेंगे, जगह भी हम तय करेंगे और टारगेट भी हम तय करेंगे। निश्चित तौर पर हर आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा। देखिए, हमारे झुंझुनू जिले के डुमौली कला का एक नौजवान विजेंद्र और हमारे भैंसावता गांव में भाई अजय, दोनों की पार्थिव देह उनके जन्म स्थान पर, उनके गांव में निवास स्थान पर पहुंच रही है। मैं नमन करूंगा दोनों शहीदों को और जो और उनके साथ शहीदों सबको। माहौल गमगीन है, परिवार पीड़ित है, नौजवान भाई हमारे बीच में से गया है। मैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये झुंझुनू की धरती है, मैं धरती को भी नमन करता हूं क्योंकि यहां से बहुत लोग शहीद हुए देश की सेवा करते हुए। मैं कहूं तो देश के जिलों की गणना की जाए तो झुंझुनू की इस धरती ने सबसे ज्यादा शहीद दिए हैं। मैं उसको को प्रणाम करूंगा, उस माँ को जिन्होंने उसको जन्म दिया। और इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए कल शाम को ही हमें पाबंद कर दिया था कि आपको वहाँ पहुँचना भी है, सरकार की ओर से व्यवस्थाएं देखनी है और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से जो पैकेज निर्धारित है नियमों में,
वो पूरा शहीद परिवार को देंगे, उनके हर दुख में सुख में राजस्थान की सरकार खड़ी रहेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको परिवार को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करें, उसको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी और मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी जो जो इनके नियमों में पैकेज होंगे उनको सही समय पर उनको दे दिया है। ये रोड मैप है, अभी यहाँ पे जयपुर पहुँचे हैं, जयपुर से कोटपुतली होते हुए अभी झुंझुनू पहुँचने वाले हैं, लगभग एक घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और उसकी जो पाथ यात्रा है जो पुलिस स्टेशन चौक है यहाँ पे, यहाँ से शुरू करेंगे सनाना से, वहाँ से ये वापस आएंगे और वहीं से पार्थिव शरीर दोनों साइड में चले जाएंगे। सर क्या हुआ, क्या है आज जो यहाँ आए तो ये एक ऑपरेशन था जो आतंकवादी के द्वारा होता है, उसके अचानक अम्बुस में ये कैजुअल्टी हुई है। और जो अचानक होता है उसमें ये फर्स्ट चांस में ही एक्सपायर हो गए थे, शहीद हो गए और ये वहाँ सर के आ रहे हैं। झुंझुनू जिला करनी है, किस प्रकार से देखते हैं दोनों साथ होते हैं? सर ये तो झुंझुनू तो बहुत पुराना है और इस मामले में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फौजी हैं और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इसका देखिए। सबसे पहले तो मैं शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पूरे ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हैं, दो तीन विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे भी पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र से ये डुमोली कला लगता हुआ है। हमें और मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया कि आप वहाँ पे जाएं, परिवार को संभालें, परिवार को ढाढ़स बंधाएं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं उनके माता पिता को नमन करता हूँ और उस वीरांगना को भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी शक्ति दे कि इस छोटी सी उम्र में उनके मांग का सिंदूर देश सेवा में काम आया है। और देश सेवा का जज्बा झुंझुनू जिले के कण कण में है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। जब भी कोई कैजुअल्टी होती है हमारे देश में तो निश्चित रूप से एक आज जवान हमारा झुंझुनू का होता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी माटी के अंदर देश सेवा का जज्बा है। मैं पुनः एक बार, दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको सामर्थ्य दे और परिवार को भी हिम्मत दे कि इस वज्रपात को सहन करने की उनको शक्ति मिले। हम सब उनके साथ खड़े हैं, उस परिवार के साथ खड़े हैं। किसी भी तरीके की सरकारी सहायता, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, हम मंत्री जी बहन संतोष जी यहाँ पर बैठे हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, परिवार के समर्थन में हम लोग खड़े हैं, परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जो व्यक्ति चला गया निश्चित रूप से एक दुख का विषय तो है, लेकिन गर्व का विषय ये है कि देश सेवा में वो काम आए हैं, इसलिए हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और परिवार के साथ खड़े हैं। पुनः एक बार परिवार को भगवान शक्ति दे कि इस घटना को सहन करने की उनमें हिम्मत आए, ऊर्जा आए। देखिए झुंझुनू शौर्य की भूमि है, यहाँ शहादत की परंपरा रही है, यहाँ के जाबाज सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे झुंझुनू ज़िले के हैं भारत की सेना में। और मैं शहादत की बात करूँ तो इसको उपखंड में जिले के सर्वाधिक शहीद हुए हैं, और कोई गांव ढाणी ऐसा नहीं है जहां शहीद की प्रतिमा नहीं खड़ी है और शहीद कोई ऐसे ही हुआ नहीं जाता, कुर्बानी देनी पड़ती है। इसी परंपरा में आज दो शहीद हमारे यहां पार्थिव देह उनकी आई है। आंखें नम है, गमगीन माहौल है, लेकिन आप देख रहे हैं अपार जन समूह के साथ शहीदों को तिरंगे में लपेट कर यहाँ लाया जा रहा है। ये सब देशभक्ति का ही जज्बा है। वीरांगना भी ये कह रही है कि मेरे पति ने देश की शहादत के लिए अपने प्राण त्यागे हैं, मैं वो अपने आप को फक्र महसूस कर रही है। अब हमारे मंत्री महोदय जवाहर सिंह जी मैडम साहब पधारे हैं, मुख्यमंत्री जी का भी कल फोन आया था, हमारे CP जोशी साहब का भी फोन आया था, धर्मपाल जी हमारे भाई साहब MLA साहब भी शहादत को नमन करने यहाँ आए हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी सरकार, हमारा संगठन, हम सब लोग शहीद परिवार के साथ खड़े हैं और मैं मानती हूँ क्षेत्र के सब लोग आज शहीद परिवार के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हम सब लोग दुखी तो हैं, दो लाडले हमारे बेटे हमारे बीच से गए हैं, लेकिन फक्र से हमारा सीना भी बहुत ऊंचा, हमारा मस्तक हो रहा है।
शहीद विजेंद्र सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया है, इसके लिए पूरे जिले, पूरा राजस्थान, पूरा देश और पूरा गांव गौरवान्वित महसूस करता है। ये देश का सर्वोपरि बलिदान है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शहीद विजेंद्र सिंह को अपने चरणों में स्थान दे और माता पिता को इस दुख की घड़ी में ताकत देने का काम करे। आज हम सब गौरवान्वित हैं और आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रेरणा ले और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। ये झुंझुनू जैसे हम जानते हैं कि वीरों की धरती है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। एक तरफ तो कि देश की रक्षा करते हुए दो जवान एक ही थाना क्षेत्र से, दो गांवों से एक साथ शहीद हुए हैं और वो दोनों एक साथ भर्ती भी हुए थे, ये ऐसी भी जानकारी है। परिवारों की दृष्टि से देखा जाए तो एक दुख की घड़ी भी है, तो वो हम उनको संबल बनाने के साथ में हैं। पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, रास्ते वगैरह जहाँ से यात्राएं गुजरेगी उसमें जो भी लोग शामिल होने वाले हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई है, जाप्ता तैनात कर दिया गया है। और प्रशासन से आदरणीय कलेक्टर साहब, SP साहब भी पधार रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय दोनों जगहों के लिए, माननीय राज्य मंत्री बेदम साहब और राज्यवर्धन सिंह जी पधार रहे हैं, तो सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करते हैं। पार्थिव देह यहाँ ये मुरादपुर पहुँचेगी और मुरादपुर से जो गाड़ियाँ तैयार की गई है सब यात्रा के लिए, देह यात्रा के लिए, उन गाड़ियों में लेकर के और अपने अपने दोनों गांव जो हैं शहीदों के, दुमोली कला और भैसाता जाएंगे। बड़ी दुखद घटना उपखंड बुहाना में कल हुई कि हमारे दो जवान जो शहीद हो गए, और एक हमारा जवान डुमोली कला से है और एक हमारा जवान भैसावता कला से है। कल से ही जी परिजनों से भी हमारी बात हुई और हमारे जो गांव की जो टीम है वो भी वहां पर रात से उपस्थित है। जैसे कोई रास्ते को लेके कहीं पानी भराव की कहीं कोई बात थी तो वो भी हमने दुरुस्त करवा दिया है और लगातार समन्वय से संपर्क में भी हैं। माननीय कलेक्टर साहब के और माननीय SP साहब के भी आने की अभी यहाँ पर हमारे पास सूचना है। हमने भी उच्च अधिकारियों को भी यहाँ की जो लोकल व्यवस्थाएं हैं उन सबसे अवगत करा दिया गया है। तो और अब लगभग एक घंटे के बाद में जवानों की जो वो पहुँचने की यहाँ पर हमारे पास सूचना है। धन्यवाद। ये 6 राजपूत मेघला बंडन का जवान था, मैं उनकी यूनिट और उनकी कंपनी का से आया हूँ मेरठ से, और ये लड़का अजय बहुत योहना लड़का था। ये मैं 10RR में पोस्टेड था, वहाँ पे ऑपरेशन एक हुआ उसमें ये शहीद हो गया, क्योंकि आमना सामना नहीं हुआ। अगर आमना सामना हो जाता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन दुश्मन ने छुपके वार किया, उसकी वजह से ये हमारा नुकसान हो गया। और बाकी ऐसा मौका हर फौजी को नहीं मिलता है, हर आदमी चाहता है कि मेरा कहीं ना कहीं नाम हो, और उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है। जब भी इनका परिवार हमें समझेगा कि हमको सिख राजपूत की जरूरत है तो हम कभी भी इनको मिलने के लिए तैयार रहेंगे। नाम और पदनेम मेरा, मैं नायब सुधार पुरुषोत्तम सिंह, सिख राजपूत।